40 साल के संघर्ष को मैंने बिगर लार्जर आइडियोलॉजी के लिए भाजपा की विचारधारा जिस तरीके की नफरत थी उसको रोकने के लिए, जब मैंने एक बड़ा नेतृत्व जो 130 करोड़ लोगों का दिल जीता है इस संघर्ष में, इस यात्रा में, और एक बड़ा विश्वास प्रियंका जी का मेरे प्रति, तो मैं तो समर्पण कर दिया। मैं तो अपनी पार्टी और लालू यादव जी को, मैं आज भी 83-84 से लेकर के आज तक लालू यादव को जिस पिता के रूप में देखा हूँ, क्या मैं लालू यादव जी का पुत्र नहीं हूँ? क्या मैं यादव राजपूत नहीं हो कर सकता? मैं बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं कर सकता, हिंदू मुसलमान नहीं कर सकता, मेरे अपने संस्कार हैं। मैं पूर्णिया का बेटा हूँ, मैं कोसी सीमांचल में मैं भी तो पैदा हुआ हूँ। मुझे आप बता दीजिए, क्या आप हमारी माँ से ही हमको दूर कर दें? क्या मेरी आस्था पर कमी? देखिए, मेरी कमी हो सकती है पूजा और इबादत में। सीमांचल कांग्रेस की जमीन रही है हमेशा, सीमांचल और कोसी ने कांग्रेस को ताकत दिया है आज़ादी के बाद से, और पप्पू यादव का ये का इमोशंस और फीलिंग है, ये मुझे जीना सिखाया है, मुझे खेलना सिखाया, लड़ना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया। मधेपुरा मेरा घर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब मैं लालू यादव जी से मिल के कह दिया था कि पूर्णिया लड़ूंगा, मधेपुरा में नहीं लड़ूंगा, और उन्होंने जब मर्जर की बात कही थी तो मैं उस पर ये कर दिया, तो मैं क्या कर सकता था? इसीलिए मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूँ कि पूर्णिया से अलग होने का मतलब है आत्महत्या। चेहर पूर्णिया से अलग होने का कोई, मैं मेरे जहन में, मेरे खून में मैं सोच ही नहीं सकता। कोई मार दे मंजूर है, ख़त्म हो जाना मंजूर है, मैं तो बगैर पद के सब कुछ की सेवा करता हूँ। मेरे लिए कोई जाति हिंदुस्तान में ना कोरोना में थी, ना बाढ़ में था, ना किसी चीज़ों में था। आप हमको जरा बता दीजिए, तो इसीलिए आप बेफिक्र रहें, मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूँ। आप यहाँ की जनता से पूछे जो मेरे लिए भगवान है, मैं दिल दिन से कहा हूँ और आज कह रहा हूँ कि आत्महत्या करना मंजूर हो जाएगा मेरे लिए, दुनिया छोड़ना मंजूर नहीं। मैंने परिवार को भी कह दिया, मैंने मैडम से कह दिया, मैं अपने बच्चों से कह दिया, मेरे लिए सब कुछ, मेरा तन मन सब कुछ समर्पित है पूर्णिया के लिए। मुझे नंबर वन दुनिया का करना है पूर्णिया, कांग्रेस को नंबर वन करना है, कांग्रेस नेतृत्व को सोचना है। अब कांग्रेस यदि निर्णय लेगी तो मैं समझता हूँ दुनिया का ये नंबर वन निर्णय होगा। अब कांग्रेस को तय करने दीजिए, मैं कांग्रेस को अपना जीवन समर्पित करूँ।